दोस्तों स्वागत है आप सभी का के डी सी आई डी शॉर्ट्स में। इस एपिसोड में खेलने वाले हैं केवीसी, जिसमें आपको मिलेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको चकित कर देंगे, इसलिए इसको खेलने से पहले दिल थाम के बैठना होगा। आप सभी को इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन, एक शादी के संदर्भ में लाल जोड़ा क्या होता है? ऑप्शन है, ए ऑप्शन है चूड़ी की जोड़ी, बी ऑप्शन है कपड़े का सेट, सी ऑप्शन है नए विवाहित जोड़े, डी ऑप्शन है संधियों की मिलानी। सही आंसर को कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर देखते हैं क्या निकलता है। इसका आंसर है बी, कपड़े का सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने जीवन के आखिरी दिन भगत सिंह किस क्रांतिकारी विचारधारा के बारे में एक किताब पढ़ रहे थे? ऑप्शन ए है एंटोनिया ग्राम्सी, नेक्स्ट ऑप्शन है चे गुवेरा, नेक्स्ट ऑप्शन लियोन ट्रास्टकी, नेक्स्ट ऑप्शन है व्लादिमीर लेनिन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। सभी लोग इसका कमेंट कीजिए, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन है डी, व्लादिमीर लेनिन। आशा करता हूँ आप सभी का आंसर सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मैच के दौरान खो खो टीम के कितने खिलाड़ी मैदान पर खेल सकते हैं? ऑप्शन है 10, नेक्स्ट ऑप्शन है 9, नेक्स्ट ऑप्शन 7, नेक्स्ट ऑप्शन है 8। इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन है बी, 9। तो एक मैच के दौरान खो खो टीम के खिलाड़ी कितने खिलाड़ी हैं? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शहरों में से कौन सा शहर पाकिस्तान के लाहौर के निकट है? ऑप्शन है श्रीनगर, नेक्स्ट ऑप्शन जैसलमेर, नेक्स्ट ऑप्शन है अमृतसर, नेक्स्ट ऑप्शन है डी उधमपुर। इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन में पूछा है, भारतीय शहरों में से कौन सा शहर पाकिस्तान के लाहौर के निकट है? जो शहर लाहौर के निकट होगा वो बताना है हमें। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन है सी, अमृतसर। तो पाकिस्तान के लाहौर के निकट अमृतसर शहर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है जॉर्डन, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है कतर। दोस्तों इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा जल्दी जल्दी। इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन है ए, इजराइल। तो इस क्वेश्चन में पूछा था, जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने? तो इजराइल देश गए थे।
हमारे प्रधानमंत्री जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन संस्थानों में से किस संस्थान में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अंतिम व्याख्यान दिया? ऑप्शन है IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी है IIM शिलोंग, ऑप्शन सी है IIT मद्रास, ऑप्शन डी है IIM कालीकट। इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में, देख लेते हैं आंसर इसका कौन सा होगा। ऑप्शन इसका बी है IIM शिलोंग। तो APJ अब्दुल कलाम ने अंतिम व्याख्यान IIM शिलोंग में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने 2017 में दूसरी राजधानी की घोषणा की? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। आंसर कमेंट में कीजिएगा जल्दी जल्दी, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी हिमाचल प्रदेश। तो 2017 में दूसरी राजधानी हिमाचल प्रदेश की बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है गीत में बापू कौन है? ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह फोगाट, ऑप्शन बी है महावीर सिंह फोगाट, ऑप्शन सी है दिलीप सिंह फोगाट, ऑप्शन डी है रमेश सिंगल फोगाट। आंसर कमेंट में कीजिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन बी सही है इसका, इसमें दिया है आंसर बी महावीर सिंह फोगाट। तो बापू सेहत के लिए हानिकारक तो हानिकारक में गीत में बापू महावीर सिंह फोगाट के लिए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशाल पांडा के 90% से ज़्यादा भोजन में कौन से पौधे शामिल होते हैं? ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी है केले, ऑप्शन सी है बांस, ऑप्शन डी है दिनांग पाम। इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा जल्दी जल्दी, अब देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर है सी बांस के पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी संख्या मूल्य में कम है? ऑप्शन ए है 79, ऑप्शन बी है 89, ऑप्शन सी है 59, ऑप्शन डी है 69। इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, आंसर देख लेते हैं इसका। इसका आंसर है सी 59। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सरकार ने किस योजना को एक देश एक कर एक बाजार का नाम दिया है? ऑप्शन देखते हैं GST, ऑप्शन बी है DDT, ऑप्शन सी है STT, ऑप्शन डी है CST। इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सही होगा, आप अपना कमेंट में आंसर कर दीजिए।
इसका आंसर है ए, GST। तो केंद्रीय सरकार ने किस योजना को एक देश एक कर एक बाजार का नाम दिया? GST को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजा के प्राचीन पिरामिड किस आकार के होते हैं? आंसर है, ऑप्शन है दानेदार, ऑप्शन बी है दीप ग्रहों, ऑप्शन सी है मकबरों, ऑप्शन डी है महलों। तो इसका आंसर कीजिएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है सी, मकबरों। तो गीजा के प्राचीन पिरामिड किस आकार के होते हैं? मकबरों के। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के संदर्भ में यदि हम इंद्रधनुष के सभी 7 रंगों को मिलाते हैं तो परिणाम स्वरूप कौन सा रंग होगा? ऑप्शन है, ए है सफ़ेद, ऑप्शन बी है ब्लैक, ऑप्शन सी है मारून, ऑप्शन डी है डार्क ब्लू। इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपने कमेंट में आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन देख लेते हैं सही। इसका ऑप्शन है ए, सफ़ेद। तो प्रकाश के संदर्भ में यदि हम इंद्रधनुष के सभी 7 रंगों को मिलाते हैं तो परिणाम स्वरूप हमें सफ़ेद रंग प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में लॉन्च किए गए नए 2000 रुपये के नोट के फ्लिप साइड पर किसकी छवि दिखाई देती है? ऑप्शन ए है भारत की संसद, ऑप्शन बी है ट्रैक्टर, ऑप्शन सी है लाल किला, ऑप्शन डी है मंगलयान। इसका आंसर कमेंट में करना होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है डी, मंगलयान। तो 2016 में लॉन्च किए गए 2000 रुपये के नोट के फ्लिप साइड पर मंगलयान की छवि दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सोशल नेटवर्किंग साइट में किसी को भी अनफ्रेंड कर सकते हैं? ऑप्शन ए है फेसबुक, ऑप्शन बी है इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी है व्हाट्सएप, ऑप्शन सी डी है ट्विटर। इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा जल्दी जल्दी। सही ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर है ए, फेसबुक। तो हम फेसबुक पर किसी को भी अनफ्रेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTGS, NEFT और IMPS किस गतिविधि से जुड़े हैं? ऑप्शन ए है ऑनलाइन बैंकिंग, ऑप्शन बी है वेब सर्फिंग, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य देखभाल। तो इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा जल्दी जल्दी। ऑप्शन सही देख लेते हैं, इसका ऑप्शन ए है सही, ऑनलाइन बैंकिंग। तो इन सभी का यूज ऑनलाइन बैंकिंग में किया जाता है।